हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय माजिसा। मैं आपको ले जा रहा हूँ माजिसा के यहाँ पर एक मंदिर में। बहुत काफ़ी प्राचीन मंदिर है जहाँ पर हर मूर्ति होती है। आप देख सकते हो दोस्तों माता जी का वहाँ पर चढ़ाई के ऊपर मंदिर है। आप वो पहाड़ के ऊपर माता जी का मंदिर देख सकते हो। काफ़ी पुराना मंदिर है, वहाँ पर जो भी आता है इसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और दोस्तों वहाँ पर किसी को कोई लकवा हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, जिसका दोस्तों हाथ पैर काम नहीं करता, दोस्तों वहाँ पर जाने से मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख सकते हो दोस्तों ये जो शनिवार है और द्वितवार के दिन यहाँ पर इतनी भीड़ लगती है। तो ये रास्ता है दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये पंचशील का रास्ता है। यहाँ से लोग आ सकते हैं, यहाँ से ये आने के लिए रास्ता है। और ये रास्ता आगे से लेके वहाँ तक जाता है। और भी दोस्तों मैं आपको काफ़ी चमत्कारी माता जी का माजिसा का मंदिर है और मैं मंदिर के बारे में बताऊँगा। आपको मेरे इस वीडियो पर बने रहना है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा मैं इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये रास्ता है, हम दिखाएंगे आपको। वो पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर हम चलेंगे और वहाँ पर आपको जाके वहाँ का लोकेशन दिखाएंगे कि दोस्तों किस तरह से वहाँ पर लोग आते हैं। और जैसे दोस्तों यहाँ का लोकेशन है, ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये रास्ता है। यहाँ पर ये पंचशील का है, पंचशील गणेश गुवाड़ी के अंदर मंदिर है। और ये रास्ता है जो दोस्तों यहाँ पर सीधा रास्ता जाता है आगे की तरफ। वो देख सकते हो दोस्तों आगे चढ़ाई के ऊपर माता जी का मंदिर है, माजिसा का मंदिर है। इस मंदिर के यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर अभी इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जैसे नवरात्रि स्टार्ट होगा और वहाँ पर काफ़ी लोग, तो देख सकते हो दोस्तों जब नवरात्रा शुरू होगा तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी। और ये शनिवार और द्वितवार के वक्त यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर यात्री आते हैं। कम से कम यहाँ 400 या 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर ये देख सकते हो दोस्तों ये पेड़ है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, काफ़ी पुराना प्राचीन पेड़ है ये। और अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हम दर्शन कराएंगे। यहाँ पर दो यात्री पुजारी बैठते हैं, यहाँ पर देखभाल करते हैं, माजिसा की सेवा करते हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है, 500-600 साल पुराना मंदिर है ये। और ये पानी की टंकी लगा रखी है यहाँ पर, ताकि जो भी यात्री आते हैं यहाँ पर पानी पी सकते हैं। गर्मी में यहाँ पर सेवा है, एक तरह से जल सेवा कर रखी है इन लोगों ने। देखो दोस्तों यहाँ पर, और ये पंचशील के अंदर गणेश गुवाड़ी के जस्ट पास में मंदिर है। वो रास्ता आगे से आ रहा है, इस रास्ते से होते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद ऊपर की तरफ ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर बना रखा है इन्होंने, काफ़ी मेहनत से बना रखा है दोस्तों। देख सकते हो काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। और ये 400-500 साल पहले का मंदिर है। पूरा पहाड़ है चारों तरफ गणेश जी का। और ये जो रास्ता है दोस्तों अंदर की तरफ जाता है, इस रास्ते से अंदर जो यात्री आते हैं यहाँ पर, और शनिवार सब यात्री जन इसी लाइन में खड़े रहते हैं। ये लाइन होती है जो अंदर की तरफ जाती है यहाँ पर। और ये धुनी है यहाँ पर जब यज्ञ किया जाता है। और वो पेड़ पौधे देख सकते हो दोस्तों, ये शिव जी का मंदिर है यहाँ पर आगे की तरफ। और अभी हम चलते हैं यहाँ पर, आपको मिलाने वाले दोस्तों यहाँ पर जो पुजारी बैठते हैं यहाँ पर है, पुजारी से आपकी बात भी कराएंगे, इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सबसे खास बात बता दूँ इस मंदिर की है, किसी को लकवा हो जाता है, जैसे किसी को पैरालाइज हो जाता है, मतलब किसी का हाथ पैर वगैरह काम नहीं करता है, तो कितना भी पुराना हो यहाँ पर प्रॉब्लम कामना पूरी होती है। जो भी इच्छा लेके आता है सबकी इच्छा यहाँ पर पूरी होती है। अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर परमिशन नहीं है वीडियो लेने की, तो हम खास करके पुजारी से यहाँ पर परमिशन लिए हैं वीडियो बनाने की। और अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको हम मिलाएंगे यहाँ पर जो सबसे खास पुजारी है यहाँ के और भक्त हैं माजिसा के, जो हमेशा यहाँ पर आते हैं माजिसा की पूजा करते हैं। पहले हम आपको मिला देते हैं माजिसा से। ये देख सकते हो दोस्तों माजिसा का मंदिर है। और ये हमारे यहाँ पर भक्त है जो यहाँ पर पूजा भी करते हैं, हमेशा यहाँ पर रहते हैं। एक बार आपको मिला देते हैं इनसे। तो चलिए सर, क्या नाम है सर आपका? मुकेश। मुकेश जी, यहाँ पर ये पुजारी है यहाँ पर, और ये हमेशा भगवान की यहाँ पर माजिसा की पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं। और ये हमारे एक भक्त जैन भी आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राज प्रजापत है। अच्छा, ये कितने साल पुराना मंदिर है सर? ये 400 साल। अच्छा, इस मंदिर की खासियत हमने सुना है कि ये मंदिर है, मतलब जो मनोकामना पूर्ति, क्या बात है सर मंदिर की? मंदिर की ऐसे है, रविवार संडे को यहाँ पे बैठक होती है और लखवे ऐसे होते हैं, तो वो डॉक्टर वगैरह जवाब देते हैं, तो उनको लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से आते हैं, से किशनगढ़, जयपुर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, मतलब पूरी नाइट चौकी चलती है। हाँ, तो देख सकते हो दोस्तों हमें बताया गया है यहाँ पर, काफ़ी हमें सुनने को भी मिला था, हमें ये न्यूज़ मिली, तो हम खुद दोस्तों दूर से आए हैं यहाँ पर सिर्फ इनका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की कोई परमिशन नहीं होती, फिर भी हमने यहाँ पे परमिशन लेके वीडियो रिकॉर्ड करी है। मैं इतने दूर से दोस्तों यहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको बताने के लिए आया हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों माजिसा के यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर वीडियोग्राफी की कोई अलाव नहीं है, परमिशन नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको डॉक्टर अगर मना कर दे कि डॉक्टर यहाँ पर आपको इलाज नहीं हो सकता है, आप इनको ले जाइए, तो यहाँ पर भी आपका इजीली इलाज हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपको चढ़ावा बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, जो भी आपकी अगर इच्छा पूर्ति हो तो आप। फ्रेंड्स देख सकते हो अभी काफ़ी धूप है और इस वक्त अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, और 2 बजे दोस्तों काफ़ी प्यास लग रही है, तो अभी हम यहाँ से पानी पीते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ और आगे का आपको नज़ारा दिखाएंगे।
और काफ़ी ठंडा पानी है ये, पानी लगा रखा है ताकि कोई भी यहाँ पे आवे गर्मी के समय वो यहाँ पर पानी पी सकता है। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और देख सकते हो।